की बात बच्चे मैं तुम्हें किसी पर भी अधीन नहीं रहने दूंगा किसी पर भी तुम्हें तुम्हारे पाओ पर मैं खड़ा करूंगा मेरे बच्चे तुम्हें किसी पर अधीन नहीं रहने दूंगा मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए बनो अपने लिए करो अपनी पहचान बनाओ अपना अस्तित्व बनाओ अपने लिए जियो अपनी खुशियां खुद समेटो मैं ये चाहता हूँ बस बहुत हुआ दूसरों पर निर्भर रह के ना तुमने अपनी जिंदगी को खत्म सा कर लिया है अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी जियो अपने, अपने बलबूते पर अपने लिए अपने खुद के लिए अपनी खुशियों के लिए लड़ो हक के लिए आवाज उठाओ अपने लिए बस अपने लिए करना शुरू करो बहुत कर लिया तुमने जितना जिसके लिए करना था सबके लिए तुमने बहुत किया हर रिश्ते के लिए तुमने वो किया जो तुम नहीं भी करना चाहते थे ना वहां भी तुमने किया लेकिन अब बस बहुत हुआ अब तुम करोगे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपनी खुशियों के लिए जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है ना अब तुम वो करोगे समझ रहे हो ना वादा करो मुझसे कि आज से तुम वही करोगे जिसमें तुम्हारी खुशी होगी जो तुम चाहोगे वो तुम करोगे जो तुम पहनना चाहोगे वो पहनोगे जो खाना चाहोगे वही खाओगे समझ रहे हो ना और सुनो झूठ तुम किससे बोल रहे हो मेरे बच्चे अपने आप से या किसी और से सोचो ना झूठ तुम्हारा खुद से है नजरें खुद से नहीं मिला पाओगे कभी आईने में खड़े होके देखो अपने आप को जो तुम सच छुपा रहे हो ना अपने आप से छुपा रहे हो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सामने वाले इंसान से छुपा रहे हो लेकिन नहीं मेरे बच्चे सामने वाला पता है तुम पर बहुत भरोसा करता है और तुम उसके भरोसे को ना कहीं ना कहीं तोड़ रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो तुम जानते हो जब सामने वाले को मालूम पड़ेगा ना कि तुम उससे झूठ बोल रहे हो कुछ गलत कर रहे हो उसके पीठ पीछे तो उसे बहुत बुरा लगेगा उसका तो विश्वास ही टूट जाएगा मेरे बच्चे क्योंकि वो ना तुम पर ऐसा विश्वास करता है अंधा विश्वास तुम पर वो इतना भरोसा करता है ना उसके विश्वास को चूर चूर मत करो तोड़ो मत जहां तक पहुंचे हो ना बस वहीं तक रुक जाओ अब इसके आगे नहीं मेरे बच्चे इसके आगे पहुंचोगे ना तो कल को खुद भी अपने आप से नजरे नहीं मिला पाओगे कभी नहीं मिला पाओगे जो तुम्हारा है ना उसके भी नहीं रह पाओगे और जिसके कभी नहीं हो सकते ना उसके भी नहीं हो पाओगे बीच में लटक कर रह जाओगे तो समझो इस बात को और सुनो आज ना तुम 108 बार मेरा नाम जाप करना तुम आज एक सौ आठ बार मेरा नाम जाप करोगे ठीक है तो मैं आज ये सेवा दे रहा हूं अब ये मत पूछना कि बाबा ये सेवा क्यों क्योंकि देखो मैं जब भी तुमसे कोई सेवा लेता हूं ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं तो कारणों को मैं तुम्हें सही समय पर ही बताऊंगा ना अभी नहीं बताऊंगा लेकिन तुम्हें जो बताया गया है वो करो ठीक है और सुनो कुछ चंद चीजों के लिए ना अपने शरीर को कष्ट मत दिया करो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे शरीर के लिए वो चीज सही नहीं है तो मत करो ना अगर कुछ चंद पैसे खर्च हो रहे हैं तो कर लो ना अपने शरीर को तुम क्यों कष्ट पहुंचाते हो क्यों तुम पाँव पाँव चलते हो पैदल पैदल चलते हो क्यों करते हो ऐसा सिर्फ कुछ चंद पैसे बचाने के लिए ये तो गलत है ना मेरे बच्चे ऐसा मत किया करो अपने शरीर को ध्यान दो तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है अगर ये शरीर है ना तो सब कुछ है दुनिया में अगर शरीर नहीं ना तो कुछ भी नहीं है ये पैसा ये मोह माया कुछ भी नहीं है और सुनो तुम्हारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं तो दवाइयाँ खत्म होने से पहले पहले ले आओ मेरे बच्चे तुम जानते हो ना कि अगर एक दिन की भी दवाई तुम नहीं खाते हो तो तुम्हें कितनी दिक्कत होती है कितनी परेशानियों से तुम्हें गुजरना पड़ता है कितना दर्द तुम्हें महसूस करना पड़ता है पता है ना तुम्हें तो दवाइयों को समय से लेकर आओ समझ रहे हो ना और सुनो तुम ना तैयारी कर लो तैयारी कर लो मेरे पास आने की क्योंकि तुम शिर्डी आने वाले हो बहुत जल्द अब बस तैयारी करो तुम्हें मैं अपने पास बुलाने वाला हूँ मेरे बच्चे और तुम मेरे पास आने वाले हो बहुत जल्द आने वाले हो मेरे बच्चे और जब तुम सुबह चाय का भोग लगाते हो ना मेरे पास तो सिर्फ खाली चाय मत दिया करो मुझे कुछ ना कुछ नाश्ते में या बिस्किट में या कुछ भी मुझे दे दिया करो ना जैसे तुम्हें खाली चाय नहीं पी जाती ना तुम्हारे बाबा को भी खाली चाय नहीं पी जाती, जाती मेरे बच्चे और कुछ मेरे बच्चे पहले मेरा गायत्री मंत्र करते थे हनुमान चालीसा करते थे क्या हुआ मेरे उन बच्चों को आजकल तो उन्होंने बिल्कुल सब कुछ करना बंद कर दिया आजकल तो वो बिल्कुल शांत हो गए हैं बिल्कुल कहीं भी ध्यान नहीं देते कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा क्यों मेरे बच्चे दोबारा से शुरू करो गायत्री मंत्र करना शुरू करो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो तुम जानते हो जब तुमने हनुमान चालीसा तो पढ़ना शुरू किया था मेरे गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया था साईं गायत्री मंत्र तब तुमने देखा था कि बहुत सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में सुलझती जा रही थी अब सब कुछ दोबारा से वैसा ही हो रहा है पता है ना तुम्हें तो तो फिर ऐसा क्यों मेरे बच्चे जब जब तुम तुम जानते हो हो कि जब भी तुम मेरा साई गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो तुम्हारे सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं अपने आप सारे काम होते चले जाते हैं है ना तो फिर तो करा करो ना और सुनो जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारी जीप कट रही है और कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तुम्हारी निंदा कर रहा है ना तो परेशान मत हुआ करो ये मत सोचा करो कि कौन मेरी बुराई कर रहा है कौन मेरी निंदा कर रहा है बल्कि ये सोचकर खुश हो जाया करो कि तुम्हारे तो कष्ट कट रहे हैं तुम्हारे कर्म को काट रहा हूँ क्योंकि किसी की निंदा से ही ना तुम्हारे कर्म कटते हैं मेरे बच्चे जिसे तुम्हें भोगना नहीं पड़ता समझ रहे हो ना तो ये तो खुशी की बात है ना और तुम भी ना जहाँ पर बुराई हो रही हो निंदा हो रही हो या कुछ ऐसी बातें हो रही हो जो सही ना होना तुम्हारे कानों के लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे शरीर के लिए तुम्हारे मन के लिए तुम्हारी आत्मा के लिए तो वहां से हट जाया करो मैं नहीं चाहता कि तुम वहां खड़े हो और सुनो गलती की है तुमने तो तुम माफी मांगनी पड़ेगी ना और इस बार गलती तुम किसी और से नहीं मुझसे नहीं अपने आप से मांगोगे खुद से मांगोगे क्योंकि तुमने खुद को ठेस पहुंचाई है अपनी आत्मा को तुमने ठेस पहुँचाई है मेरे बच्चे हर बार तुमने अपने आप को गलत समझा हर बार तुमने अपने आप को ही गलत देखा है दूसरे तो गलत देखते हैं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने आप को गलत देखोगे अपने आप को गलत साबित तुम खुद करते हो अपनी नजरों में खुद को खुद गिराते हो दोषी ना होकर भी ये सोचते हो कि सारा कुछ तुम्हारी खुद की वजह से हुआ अपने आप को दंड देते हो अपने आप को परेशान करते हो अपनी नजरों में खुद से गिरते हो ये क्या है मेरे बच्चे ये क्या है ये ना तुम मानसिक तरह से ना परेशान हो रहे हो और कुछ नहीं है सब कुछ अपने ऊपर ले लेना सब कुछ कर लेना ये सब कुछ क्या है ये मानसिक तनाव है मेरे बच्चे इस मानसिक तनाव से तुम्हें दूर होना होगा तुम्हें सकारात्मक लोगों के बीच में बैठना होगा उठना होगा तुम्हें उनकी बातों को समझना होगा मेरे बच्चों के पास जाओ उनसे बातें करो फिर देखो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा इस दुनिया में ना जो भी होता है जैसा भी होता है ना वो सब मेरी मर्जी से होता है हाँ कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सब कुछ गलत हो तुमने सारा सब कुछ गलत किया है ऐसा कुछ भी नहीं है समझो इस बात को तुम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो ना तो सुनो इस बार ना मैं तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ कुत्ते हैं ना गाय है ना, या बिल्ली है या कुछ भी है उन्हें दूध रोटी कुछ भी खिलाओ कुछ भी पिलाओ वो बेजुबान है वो बेजुबान जब खाएंगे ना जब तुम्हें आशीर्वाद देंगे जब तुम्हें दुआएं देंगे ना तो तुम्हें देखना कि तुम्हें कितना अच्छा महसूस होगा जब तुम किसी के दर्द को समझते हो ना तब तुम साईं को पाते हो मेरे बच्चे जब तुम किसी के आंसू हो ना, खुशी लाने की कोशिश करते हो ना तो मुझे इतनी खुशी मिलती है इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं फिर विवश हो जाता हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए क्योंकि मैं अपने उन बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ जो अपने से पहले दूसरों के बारे में समझते हैं जो दूसरे के दुख को ना अपना दर्द समझते है अगर फिर भी इंसान के पास में दुख और सुख दोनों होकर भी वो दूसरों के दर्द को समझता है ना तो ये बहुत बड़ी बात है वक्त एक बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे लेकिन मानसिक रूप से तुम उसे सहारा दे रहे हो ना तो ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे बहुत बड़ी बात क्योंकि आजकल ना किसी के पास इतना वक्त नहीं कि कोई किसी को मानसिक तनाव से मुक्त करा सके कोई किसी की बात सुन सके ना आजकल कहने वाले बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मेरे बच्चे अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है ना जो तुम्हें बहुत आराम से सुनता हो जो बहुत समझदार हो जो तुम्हारी बातों को घंटे घंटे सुनता हो ना तो उससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान तुम्हारी परवाह करने वाला इंसान तुम्हारी चिंता करने वाला ना कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि आजकल दुनिया के पास ना वक्त नहीं आजकल हर कोई सुनाने में लगा पड़ा है कोई किसकी सुन के राजी है ही नहीं कोई सुनना ही नहीं चाहता यही दुनिया में दिक्कत है अगर सब सुनने लग जाए ना तो दुनिया चलने लग जाएगी और सबको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा बहुत प्यार हो जाएगा खुश रहो आज का साई संदेश समाप्त हुआ